नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी चौधरी। निशस्त्र परिवार की ओर से आप सब सुनने वालों का अभिनंदन। आज मैं सुना रही हूं हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री नरेश सक्सेना जी की लिखी हुई कविता गिरना। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी यह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य, जब पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्ला कर कहता है, इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती है और हल्की धीरे धीरे। लेकिन आज आप अरस्तु के सिद्धांत को गिरता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़िया के हल्के पंखों और कागजों और कपड़े की कतरनों को एक साथ एक गति से एक दिशा में गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं। और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, खाए पिए और अघाए लोग, हम लोग, तुम लोग, एक साथ एक गति से एक दिशा में गिरते ही जा रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना। इसीलिए कहता हूं गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो, और गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर जहां से फूटती हैं मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गिरो आंसू के एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते हुए बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झड़ती वहां वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जलप्रपात की तरह, गिरो जलप्रपात की तरह टर्बाइन के पंखे घुमाते हुए अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन सुनो आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं,
इसका कोई तीर नहीं रचा गया, तो गिरो उससे छूटे हुए तीर की तरह, तो गिरो उससे छूटे हुए तीर की तरह बंजर जमीन को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए, बारिश की तरह गिरो सूखी जमीन पर, बारिश की तरह गिरो सूखी जमीन पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपना बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए नजर, गिर गए बाल, दांत गिर गई नजर, और स्मृतियों के खोखल से गिरते जा रहे हैं नाम, तारीखें और शहर और चेहरे, और रक्तचाप गिर रहा है, तापमान गिर रहा है, और गिर रही है खून में निकदार हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजुके से नरेश, खड़े क्या हो बिजुके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त, एक बारगी तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो किसी दुश्मन पर, गिरो किसी दुश्मन पर, गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो, मैं कहता हूं गिरो।